हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से कैंपस जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो आज जो मैं नोटिफिकेशन देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं वो कैंडिडेट जरूर देखें और इसमें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्लाई करें, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रेंटिस है। तो पैसा अगर नहीं देखना चाहते हो तो आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो इस पर आइए और इस पर जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो DRDO की तरफ से आया हुआ है, DRDL, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी की तरफ से है, जो कि डिफेंस DRDO का ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो कि कंचन बाग हैदराबाद के लिए निकला हुआ है, ठीक है। इसमें जो है एंगेजमेंट ऑफ ITI अप्रेंटिसशिप फॉर ट्रेनिंग एट DRDL फॉर द ईयर ऑफ 2023-24 2023-24 के लिए निकला हुआ है। तो इसमें जो है ITI अप्रेंटिसशिप अंडर द एक्ट 1961 जो है प्योरली 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप रहेगी, जो कि जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग जरूर अप्लाई करेंगे। तो इसमें ट्रेड कौन कौन वाले जो है ITI कैंडिडेट जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो ट्रेड्स से मैंने दिखाया 14 ट्रेड्स वाले जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है फीटर, उसके बाद है टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, उसके बाद पेंटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग है, मतलब कोपा का है, उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भी, और उसके बाद फाउंड्रीमैन। तो ये सारे ट्रेड्स वाले जो है कैंडिडेट इसमें हमको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है आपके पास जो ITI पास होना चाहिए, जो कि रिस्पेक्टिव ट्रेड है जो दिया गया है उसमें, उस ट्रेड से आपका ITI कम्प्लीट होगा तब आप कर सकते हैं। इसमें कुछ क्या है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप कुछ कंडीशन दिया गया है इसमें आपको वो फुलफिल हो रहा है तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है ये देख सकते हैं, कैंडिडेट पास द क्वालिफाइंग एग्जाम एंड द सर्टिफाइड बाय द NCVT आर ओनली एलिजिबल। तो जो NCVT ट्रेड से सर्टिफाइड है वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे, SCVT वाले ट्रेड वाले ये इसमें फॉर्म ना फिलअप करें और ये अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ NCVT वालों के लिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव ऑलरेडी अंडरगोन और प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन DRDL और elsewhere। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है, जो अप्रेंटिसशिप किए हैं या कर रहे हैं किसी और भी कंपनी से, तो वो लोग इसमें प्लीज अप्लाई ना करें। उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन एट www.apprenticeshipindia.gov.in। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो लोग अप्रेंटिसशिप india.gov वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। कैसे होगा वो भी हम कोशिश करेंगे इसमें जितना हो सके शॉर्ट में बताने के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एट नेट्स पोर्टल शुड ऑल्सो नीड टू अप्लाई द DRDL अप्रेंटिसशिप 2022 ऑन बिफोर 10 फरवरी 2023, ओके। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 10 फरवरी 2023 से पहले अप्लाई करना होगा, और ये सारी चीज़ आपको मेल ID, फ़ोन नंबर ये सही से आपको फिलअप करना है, ताकि आप लोगों का सारा ऑनलाइन मोड जो है अप्लीकेशन ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ अप्लीकेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद रिजर्वेशन है कुछ उसके लिए भी है, उसके बाद कमिशमेंट ट्रेनिंग के लिए 1 साल का लिए रहेगा, कंप्लीट ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है नहीं दिया जाएगा। अगर किसी तरह का मिसमैच होता है, आधार लिंकेज नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, तो आपको एलिजिबली जो है क्या होगा वो रिजेक्ट कर देगा कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इंटीमेटेड ओवर फोन SMS ओनली, नो अदर कॉरेस्पॉन्डिंग विल बी सेंड। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मैसेज आएगा या तो फोन आएगा, उसी के द्वारा ही उस कैंडिडेट को जाकर ज्वाइन करना है। उसके बाद जो कैंडिडेट जाएंगे उसके वेरिफिकेशन के लिए सारे फोटोग्राफ रिसेंट टाइप का और सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट में देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, उसके बाद PVC सर्टिफिकेट मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, सर्टिफिकेट ITI का, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक भी लेकर जाना है, उसके साथ साथ आपको 2 फोटो भी लेकर जाना है। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसको रिपोर्ट करना है DRDL में हैदराबाद में, तब जाकर के आपका होगा, और ये सारी चीज़ जो प्रोसेस है आपको सब ऑफलाइन होगा, इसमें किसी तरह का TA DA नहीं मिलेगा। स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स है उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जैसे 7,000 मिले, 9,000 मिले, 10,000 मिले, जो भी स्टाइपेंड का नाम से
उसके हिसाब से मिलेगा। डेट जो है अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इस पर वेबसाइट पर किसी तरह का क्वेरीज है तो उसका मेल आईडी दिया उस पर आप लोग फॉर्म को आप लोग मेल कर सकते हैं किसी तरह का क्वेरीज है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट इंटाइटल द कैंडिडेट एनी राइट टू क्लेम टेम्पररी परमानेंट जॉब इन DRDO। तो आप इसमें किसी तरह का कंप्लीट करने के बाद आप इस पर किसी तरह का दावा नहीं कर सकते कि मुझे परमानेंट जॉब चाहिए या टेम्पररी जॉब चाहिए। इसके अंदर एक साल कंप्लीट करने के बाद आप अपने अपने घर जा सकते हो और किसी और कंपनी में आप इसको एक्सपीरियंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ये था टोटल नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के लिए भेजिएगा। और इस पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ देख सकते हैं अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट खुलते ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को डालना है और यहाँ पर कैंडिडेट है, कैंडिडेट पर जाके पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ही आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा दिखाता रहेगा। तो यही वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक हम आपको दे देंगे। हमने इसका प्रोसेस एक एक्चुअल वीडियो बना रखा है जो कि आपको देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है और जॉब से रिलेटेड है तो आप उसमें भी जॉब से रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिए। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।